एक तरफ कल के मैच को लेकर जहां लोगों में खुशी है, तो वहीं दूसरी तरफ टिकट और पास नहीं मिलने से लोग निराश भी हैं। उन्हीं में से एक है रामगढ़ के रहने वाले खिलाड़ी जितेंद्र कुमार पटेल। जितेंद्र कुमार पटेल इस आस के साथ स्टेडियम पहुंचे थे कि हर बार की तरह उन्हें भी पास या फिर टिकट मिल जाएगा, मगर इस बार परिस्थिति कुछ विपरीत थी। ना उन्हें टिकट मिला, ना उनके पास की व्यवस्था की गई। जितेंद्र कुमार पटेल दिव्यांग क्रिकेट टीम के एक खिलाड़ी भी रह चुके हैं। हम कहना चाहते हैं कि एक खिलाड़ी के महत्व नहीं दिया जाता है, जैसे कि जनरल खिलाड़ी का भी बहुत सारा महत्व दिया जाता है, उनके सुविधा किया जाता है, लेकिन एक दिव्यांग खिलाड़ी होने के मौजूद से जब 11 वर्ष से खेल रहा हूँ और ये झारखंड दिव्यांग क्रिकेट टीम के कैप्टन है, कितने भी मैच मैंने जितवाए अपने कैप्टनी करके, जिस समय भी मेरा आलोचना किया गया था, महेंद्र सिंह धोनी भी मेरे सामने किया था कि दिव्यांग लेकर अच्छा खेलता है, देखे हुए फिलहाल में 2017 में लक्ष्मी रतन शुक्ला जो शाहरुख खान की टीम से खेल रहे थे, जो खेल मंत्री थे, उसमें भी हमको अपने से बॉलिंग करके भी हमको बोला गया कि ठीक है दिव्यांग खिलाड़ी का आज हम लेते हैं। 5 ओवर ने में हमको आज तक बोल नहीं करने सका, बोले बंगला भाषा से बोले कि मोर पैर अच्छे भालो अच्छे पैर अच्छे भांगो अच्छे मेरे से बेस्ट खेलता है, तो इस तरह के बोल के हुई लक्ष्मी रतन शुक्ला सम्मानित किए। उनके बाद BCCI के अध्यक्ष जगमोहन दालमिया के पुत्री आई और हमको भी सम्मानित किए उनके 2017 में। उनका जो भी है कि सब चीज़ मेरा देखना चाहते तो फाइल नहीं लाए हैं, लेकिन आपके मोबाइल के जरिए से सब चीज़ मैं भेज लेकिन जा सकता हूं। टिकटों की बिक्री कल ही समाप्त हो चुकी है, तो आप आज भी JSCA स्टेडियम के बाहर हैं, तो आपकी उम्मीद क्या है? उम्मीद हमको जताया गया है, उम्मीद करके आए नहीं है, जैसे परसों भी आए थे तो परसों भी देख रहे थे कि 900 का टिकट 1800 3000 ने ब्लैक कर रहा था, उनके बाद काउंटर बंद कर दिया गया। उनके बाद बात हुई तो बोले ठीक है कि तुम 9 को मतलब 19 का मैच है तो 8 का 18 को आ जाना, हम तुम्हारा सभी चीज़ व्यवस्था कर देना, चले जाओ घर। तो फिर चले गए तो 9 बजे आज पहुँचे करीब, तो पूरन सर से थोड़ी देर बात हुई, बोला तुम्हारा अभी हम कार्ड बनवा रहे हैं, आधा घंटा हम भेजवा दिए जाते हैं, अभी तक ले भेजवाए नहीं, 1 बज गया, मतलब 4 बजने वाला भी है, 4 बजे तक आशा देखेंगे